अंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपके लिए कोई म्यूचुअल फंड नहीं लाई हूँ बल्कि आज मैं आपके लिए बजट के हाइलाइट्स यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री ने की है उनके बारे में सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं या जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन रहने वाली है वो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर रहने वाली है, लेकिन हम बाकी बातें भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो बढ़ के कितना हो गया है। पहले हमारी कंट्री में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था ऑन शेयर्स, लेकिन अब वो बढ़ के 12.5% हो गया। ये मैं लिख देती हूँ, 10% से बढ़ के अब वो 12.5% तक हो गया है। ओके, इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट रिलेटेड बात है कि पहले जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज़ करते थे तो आपको एक एग्जेम्पशन मिलती थी। एग्जेम्पशन कितने की मिलती थी? 1 लाख रुपए की। अब वो बढ़ के 1.25 लाख हो गई है, यानी कि 25,000 रुपये और लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। सो अगर आप कभी भी अपने शेयर्स बुक करेंगे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियलाइज़ करेंगे तो उस टाइम आपको 1.25 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी बचाव पोर्शन जो है वो अब 10% से नहीं बल्कि 12.5% यानी कि 12.5% से जो है वो टैक्स होने वाला है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था हमारी कंट्री में 15% का था, लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 20%। सो 15% से बढ़ के कितना हो गया ये? 20%। सो काफ़ी बड़ा चेंज आपको यहाँ पे दिखने मिल रहा है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि एसटीटी। एसटीटी आप जानते होंगे, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं आपको हमेशा खरीदने बेचने पे एसटीटी देना पड़ता है। सो वो भी अब बढ़ चुका है एफएनओ कैटेगरी के अंदर। ओके, अब बिफ़ोर डिस्कसिंग एनी अदर चेंज, वैसे तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, मगर उससे भी ज़रूरी ये है जानना कि ये न्यूज़ कैसी है, हमारे लिए कैसी साबित हो सकती है इन द फ्यूचर। अब अगर हम आज की मार्केट की बात करें, जैसे ही बजट डिस्कस हो रहा था, जैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये न्यूज़ हमारे सामने रखी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया है, तो आपको देखना चाहिए था मार्केट ने एक बहुत बड़ी डुबकी लगाई। सो इसका मतलब ये हो कि अगर आपने आज के दिन ट्रेड लिया होगा वो भी एफएनओ के अंदर, तो आपका पैसा जो है कॉल साइड पे अगर आपने लिया होगा तो मार्केट टैंक करी, आपका पैसा जो है वो ज़ीरो हो गया होगा। वैसे ही अगर कोई पुट में बैठा होगा, यानी कि वो सोच रहा होगा अरे ये तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो तब भी उसका उल्टा हुआ, एकदम वी शेप रिकवरी हुई और मार्केट वहीं पे आ गई जहाँ पे पहले थी, या काफ़ी शानदार रिकवरी आपको देखने मार्केट में मिली। इसका मतलब क्या है? जब भी ऐसे दिन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मार्केट से ना आप दूर रहें, स्पेशली एफएनओ कैटेगरी में, क्योंकि वॉलीटिलिटी जो है इस दिन पे बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारे लोग ट्रेड्स लेते हैं, एल्गो ट्रेडर्स बैठे होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स, सब लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं और आज एसएल जो है वो सबके लगना शुरू हो जाते हैं। सो ये था आज का मार्केट का हालचाल। अब क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ठीक किया ये टैक्सेस वगैरह बढ़ा के, वो तो आप अपने भी कमेंट्स मुझे इस वीडियो में भेज सकते हैं कि आपको ये बजट कैसा लगा, आपको क्या लगा, कैसा लगता है कि जब टैक्स बढ़ जाता है, स्पेशली जब आप सोच रहे हैं कि यार मैं इतनी मुश्किल से पैसे कमा रहा हूँ,
उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फाइनली जब हम उसको रियलाइज़ करेंगे तो इतना हैवी टैक्सेशन जो है वो हम पे लग जाएगी. सो हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट, ऑल्सो कमेंट. अब मैं आपको ये बता देती हूँ. देखिए, पहले इंडिया क्या था, पहले जनरली लोग FDs में लगाते थे. बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच होती थी लोगों की इन्वेस्टमेंट, जहाँ तक हम उसको लेके चलें तो सब बोलते थे FD में लगा लो, थोड़ा सा पैसा बन जाता है, काफ़ी है. मगर आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, मेडिकल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, एजुकेशन से रिलेटेड हम बात करें कितनी महंगाई है, आलू प्याज से थोड़ी ना, उससे भी तो आगे बढ़ना है हमें, हमें बेसिक इन्फ्लेशन नहीं देखनी. तो जो आपको बताया जाता है कि इन्फ्लेशन 4-5% है, वो एक्चुअली सिर्फ फिगरेटिवली स्पीकिंग है. फैक्ट कुछ चीज़ों को रिलेटेड है. सारी चीज़ें जो हैं जो एक्चुअली लेनी चाहिए गवर्नमेंट को व्हेन दे आर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, वो नहीं लिया जाता है. सो इन्फ्लेशन, महंगाई जो है हमारे सर पे है, और इसके वजह से हमारा पैसा जो है वो घट रहा है. इसी को कॉम्बैट करने के लिए, इसी से बचने के लिए जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छी रिटर्न्स पाना चाहता है. लेकिन आज के दिन बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ जो है इन्वेस्टर्स क्या ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि हर एंगल से अगर देखा जाए तो टैक्सेस जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है. सो कोविड के बाद से आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है हमारी इकोनॉमी में. लोग FD छोड़ छोड़ के क्या कर रहे हैं, अपने बैंक से सेविंग्स, अपनी FD में जो पैसा लगाते थे वो सब छोड़ छाड़ के कहाँ जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, ताकि उनको बेटर रिटर्न्स मिले और इन्फ्लेशन से वो बच सके. मगर अगर इस एरिया को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स करेगी, वो भी वेरी हैवीली, तो आप सोच सकते हैं एक रिटेलर का माइंडसेट जो है वो कैसे शिफ्ट हो सकता है, या ये हमारी कंट्री के लिए कैसा रहेगा. क्योंकि हम जो हैं डेवलपिंग नेशन है, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमारी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. सो ऐसा जो है, ऐसे टाइप के मूव्स कैसे रहे हैं वो तो आप आज देख ही चुके हैं. मगर आज की जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी सारी की सारी अब्सॉर्ब हो गई. मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी बहुत बड़ी डुबकी लगाने के बाद भी. इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा पड़ा है, लिक्विडिटी है, और क्योंकि मार्केट हाईली लिक्विड है, पैसा है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है और मार्केट बहुत जल्दी से गिरती है, मगर उससे भी जल्दी रिकवर हो जाती है. और मैं हैरान नहीं होंगी कि ये 2-3 दिन में बाद जो है लोग भूल भी जाएंगे और एक नए टॉपिक की तरफ चल पड़ेंगे. सो एनीवे, ओके. फिर कुछ लोगों का मानना है कि अरे मार्केट में LTCG जो है बढ़ गया है, 12.5% हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट में तो अब इन्फ्लोज ही नहीं आएंगे, लोग पैसा लगाना छोड़ देंगे. तो ऐसी बात नहीं है. जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले तो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मगर उसको जब फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया 10% से, उस दिन के बाद से भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी चली है, कितनी ग्रो करी है. तो अगर अभी 2.5% से और बढ़ा दिया तो आपको लगता है मार्केट यहाँ थमेगा? नहीं, लोग लगाएंगे. लोगों को क्या बोले, एक इन्वेस्टमेंट तो है ही, पैसा बढ़ाना भी है, लेकिन एक चस्का सा भी लग गया कि मार्केट में आना है, मार्केट से पैसा कमाना है, तो ट्रेडर आएंगे ही आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे ही आएंगे. इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा, अब मार्केट कल परसों में थोड़ा गिर ना जाए. आज तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं था. हाँ, लोग डिफेंसिव सेक्टर्स में चले गए, हाँ लोग IT और FMCG की तरफ आज चले गए, सेक्टर रोटेशन था थोड़ा बहुत, और हो सकता है 1-2 दिन में और आपको थोड़ी गिरावट देखने मिले. लेकिन डरना नहीं है, ये एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना चाहते हैं मार्केट में तो. ओके, एक और ज़रूरी बात, जब ये बजट आ रहा था हम सबकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मार्केट में ये जो कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इसको जो है टच नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड दिया हुआ है कितना, 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ का, जिसका मतलब ये अगर उनको कोई भी आगे कैपेक्स करना है, कोई भी फ्यूचर प्लान बनाना है, पैसों की ज़रूरत है, तो इससे पूरा हो सकता है, स्पेशली इस साल. सो इस साल बजट में ये मूव जब आया, ये अनाउंसमेंट जब आई, तो बहुत नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला, मार्केट ने डुबकी लगाई, मगर वो बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो गई. सो चलते हैं कुछ और
अनाउंसमेंट्स जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए आपकी नॉलेज के लिए, ये कोई भी आपको कोई भी मैं वो नहीं कर रही, रेकमेंड नहीं कर रही, कोई आपको सुझाव नहीं दे रही हूँ, सिंपल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही, ताकि आप जो है मार्केट से रिलेटेड या हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, बजट में क्या चल रहा है, ये सब बातों से आप अवेयर रहें, इसी पर ये वीडियो बन रही है। ओके, सो हमने डिस्कस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको तो आप ध्यान में रख लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हमने बता दिया है, ये भी बढ़ चुका है। ओके, एक और चीज़, एंजल टैक्स, ये अबॉलिश हो चुका है। ये किस पे पहले लगता था? स्टार्टअप्स पे लगता था, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम्स पे लगता था, अब ये अबॉलिश हो गया है। सो अगेन, वैसे नॉर्मल इन्वेस्टर को इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। अगेन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई आज के बाज़ार में, आज के बजट में, जो कि कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड है। कस्टम ड्यूटी जो है वो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम पे घट चुकी है। पहले 15% लगती थी, अब सिर्फ और सिर्फ 6% लग रही है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है, लेकिन किसके लिए? गोल्ड के लिए। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो आगे जाके गोल्ड की डिमांड जो है इस करके बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइसेस जो है फ्यूचर में आपको कम होते देखने मिलेगी। इसके वजह से टाइटन का शेयर जो है वो 6% आज चला है। सो यू कैन इमेजिन कि मार्केट जब अच्छा नहीं कर रही थी, तो टाइटन एक लौता शेयर था जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, अच्छा जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है, जब भी आप ITR फाइल करते हैं, आपको पता होगा। सो ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए 50,000 से बढ़ के 75,000 हो गया है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको अच्छी डिडक्शन आपकी बढ़ चुकी है इस एरिया के अंदर। डिफेंस की अगर हम बात करें, तो डिफेंस बजट में कोई भी चेंज नहीं है, जो भी इंटरिम बजट में डिस्कशन हुई थी, बस वही बजट उतना ही है, उससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, रेलवेज़ के ऊपर बात नहीं हुई। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स पे, सो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% से घटा के 35% कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आए और इंडिया में निवेश करें। सो फॉर देम इट्स गुड, एंड फॉर अस इट्स ऑल्सो गुड। ओके, इसके बाद मैं आपको न्यू टैक्स रेट्स बता दूँ कि अब की बार जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको न्यू टैक्स रिजीम जो होगी, उसमें आपके स्लैब रेट्स क्या रहने वाले हैं, सो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ, अगर आप उसमें आते हैं, सो आपका जो स्लैब रेट है, इनकम टैक्स का स्लैब रेट वो ऐसा होगा कि अगर आप अप टू 3 लाख वाली कैटेगरी में हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आप 3 लाख से 7 लाख के बीच में आते हैं, तो आपको 5% देना पड़ेगा। 7 से लेके 10 लाख के बीच में अगर आप आते हैं, तो आपके ऊपर 10% का इनकम टैक्स लगेगा। अगर आप 10 से 12 लाख के बीच में आते हैं, तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 12 से 15 की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 20% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एंड 15 लाख प्लस, आपके ऊपर 30% का इनकम टैक्स लगेगा। इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्लैब रेट्स, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, एक सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो 17,500, यानी कि अगर यहाँ मैं लिख दूँ, सैलरीड एम्प्लॉय जो है उसको कितना फ़ायदा होगा, एडिशनल 17,500 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है, यानी वो इतना टैक्स जो है वो बचा सकता है अगले साल से। सो यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो बजट बहुत ही डिटेल था, ग्रीन एनर्जी पे बात हुई है, बहुत सारे अदर सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर वगैरह हर एरिया पे बात हुई है। अगर आप और भी बजट के बारे में जानना चाहते हैं, एकदम डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं दैट यू वांट टू सी अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द टॉपिक। मगर जो भी ज़रूरी बातें थी, मैं समझती हूँ सबसे ज़रूरी बातें, क्योंकि मैं जिन टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ वो जनरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, सो उनसे रिलेटेड बातें मैंने आपसे कर ली हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी
जो आपको पता होनी चाहिए कि आज के बजट में क्या इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई, क्या इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे, वो सारी मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट भी गया है तो भी इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा जिससे मुझे पता चल जाए कि और लोग इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं। मगर अभी तक के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, और ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।